हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड एक ऐसा स्टॉक जो दो रुपए का स्टॉक था उसने पंद्रह महीने के अंदर अंदर आपको 2200 परसेंट से भी ज्यादा के रिटर्न 2200 परसेंट के भी ज्यादा रिटर्न दिए है उसके फंडामेंटल चेक करेंगे लेना है या नहीं लेना है उससे रिलेटेड बातें करेंगे

ऑपरेटर का खेल किस तरीके से चलता है यहाँ पर उन शेयर से रिलेटेड बातें करी है इन वीडियो को देख लीजिए प्ले बना रखी है आपके लिए इन प्ले में जाइए थ्रू करिए सीखिए सीख के मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका मार्केट से बनता हुआ नजर आएगा नो no डाउट अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमाने का एक ही तरीका है वो है अच्छा खासा नॉलेज और अच्छे खासे तरीके से नॉलेज लेने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको यहाँ पर हमारी वीडियो को देखनी पड़ेगी तो आप वीडियो को देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट चालू करिए तो आइए वीडियो की तरफ जिस स्टॉक से रिलेटिव बातें कर रहे हैं ओके उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज के दिन आज के दिन लगभग लगभग बीस परसेंट का अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर नजर आया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छा खासा यहाँ पर 20 परसेंट का अपर सर्किट लगा है इसके बाद अगर हम बात करें डेज का चार्ट पैटर्न वो भी देख सकते हैं अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है इसके बाद बात करें हम पर मंथ का चार्ट पैटर्न तो वो भी पर लगभग फ्लैट ही नजर आ रहा है मंथ का चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं सत्ताईस का शेयर अड़सठ का हो गया है वन ईयर का चार्ट पैटर्न देखे तो सात थो थो का शेयर हुआ करता था लगभग सत्तर के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है फाइव ईयरस का चार्ट पैटर्न देखे तो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है ओके बट यहाँ पर बात करें तो दो रुपये का शेयर यहाँ पर आया था ये दो रुपए का उसके बाद अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके पास है वन नाइनटी फाइव पे लिस्ट हुआ था उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आठ सौ रुपए के आसपास ये शेयर गया ऑल टाइम आई फिर उसके बाद एक बेहतरीन गिरावट ओके okay, यहाँ पर सालों साल यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी तीन साल तक फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन और आज की डेट में शेयर दोबारा भागने को तैयार है तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो पहली जो हमारा चार्ट पैटर्न के हिसाब से होता है वो

कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है थे, यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड अब देने लग गई है पचास पैसे पच्चीस पैसे का दो बार डिविडेंड कंपनी यहाँ पर दे चुकी है जुलाई में दिया फेम में दिया ये एक, एक अच्छी सिग्नल होता है कि कंपनी इज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस और स्टार्टिंग अ वेरी गुड बिजनेस तो इस चीज को देखना पड़ेगा और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बोनस की बात करें दो में या कहे दो हजार छ में फाइव जैन को यहाँ पर एक बोनस मिला हुआ है वन रेशो वन का अगर बात करते हैं स्प्लिट की तो कोई स्प्लिट नहीं है, राइट इशू तो कोई राइट इशू नहीं है वाले एक ही बार ऑप्शन पर 2006 में आज से अगर बात करें पंद्रह साल पहले यहां पर यह सब चीज होती हुई दिखाई दी कंपनी करती क्या है कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम सर बात कर लेते हैं सुबेक्स कंपनी का नाम है और यहाँ पर अगर बात करते हैं सुबेक्स की तो कंपनी करती क्या है कंपनी नाइन नाइन में यहाँ पर फाउंडेड हुई थी इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी ओके मतलब सॉफ्टवेयर बनाती हुई कंपनी नजर आती है और यहाँ पर कंपनी आईटी मतलब इंटर आई टी में का बिजनेस करती हुई नजर आती है विच वर्क्स इन द स्पेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट और वो भी डिजिटली तो इस वजह से यहाँ पर ये शेयर में इतनी बाईस की यहाँ पर एक रैली होती हुई नजर आई जस्ट बिकॉज कंपनी कहीं ना कहीं डिजिटल काम करती हुई नजर आती है आई से रिलेटेड है इसलिए शेयर भागता हुआ दिखाई दिया इट इज फोकस ऑन प्राइस

एश्योरेंस एडवांस डिटेक्शन यहाँ पर ये फ्रॉड एंड सिक्योरिटी यहां पर अगर बात करें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और ये सारे के सारे इसके आई थिंक यहाँ पर क्लाइंट है सेल एयरटेल गो साइटा तो यहाँ पर ये इनके क्लाइंट भी है तो इस चीज को देखना पड़ेगा आ, 25 साल हो गए हैं प्लस प्लस है 100 कंट्रीज में काम करती है 900 सौ प्लस यहाँ पर एम्प्लॉज है और अवार्ड भी कंपनी जीते है, ये चलो ये चीज तो हो गई यहाँ पर कंपनी आई से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है इन शॉर्ट अगर बात करें यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है जिस हिसाब से भागी है मार्केट कैप भी बड़ा है तीन करोड़ की मार्केट कैपिटल आरओसी 15% के डेट की बात करें 5% की डेट है नो ये सारी चीजें अच्छी बात है इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की तो यहाँ पर 30 के सीएडीआर से ये कंपनी पिछले 5 साल से रिटर्न देती हुई नजर आ रही है जो कि अच्छी बात है रिड्यूस यहाँ पर डेट वगैरह भी इस कंपनी ने रिड्यूस किया है और बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर पिछले बारह क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न देना अगर बात करें दो में तो एक करोड़ रुपये का यहाँ पर मार्च में आया था ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर गिरावट है बट कंपनी एक ही लेवल पर यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है तो यहाँ पर देखिए सेवेंटी सिक्स एटी एटी एट एटी टू वन ज़ीरो टू और फिर उसके बाद एटी नाइन नाइन्टी थ्री तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने करके नहीं दिखाया इस चीज़ को आपको देखना होगा बट अगर बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले तीन चार क्वार्टर से पांच क्वार्टर से अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर कभी तीन सौ तेरह करोड़ क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम यहां पर घाटा था अदरवाइज बात करें कंपनी ने हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे यहां पर 2020 में मार्च 2020 में बत्तीस करोड़ का उसके बाद यहाँ पर इस बार का आ, और नेट प्रॉफिट ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे धीरे परफॉर्म भी कर रही है कम से कम यहाँ पर नेगेटिव नहीं है इस चीज को अच्छा खासा ये माना जा सकता है सेल्स की बात करें तो कंपनी के सेल्स पिछले दस ग्यारह साल में कुछ खास हुए नहीं है बल्कि उनमें डिक्रीज यहाँ पर डिक्रीमेंट ही दिखाई दिया है यहाँ पर देख लीजिए चार करोड़ की सेल फिर चार करोड़ अठहत्तर फिर तीन के लेवल पर आ गई अब कंपनी दोबारा यहाँ पर उठने की कोशिश कर रही है शायद और अगर अच्छा खासा ये और भागती हुई नजर आती

यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परसेंट एक परसेंट तो वहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है देखिए यहाँ पर ये यह जो आपको मैं बता रहा हूँ ना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बैंक की सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है पहली बात और दूसरी बात यहाँ पर ये यह है कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं कहीं आप फर्स्ट तो नहीं जाओगे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यह शेयर में अंदर ना तो एफ ज्यादा है ना ही प्रोमोटर्स है ना ही डी है बट अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक ही है और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो शेयर है अगर हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स पे जाते हैं और यहाँ पर चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो शेयर है और ये जो भागा भागा है इतना अच्छा खासा इतना का अच्छा खासे इसके देखिए नंबर्स भी नहीं आए हैं अगर हम नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो ऐसा कुछ खास इसके नंबर भी नहीं है और अगर हम क्वार्टरली ईयरली बेस पे बट स्टिल अगर शेयर भाग रहा है तो यहाँ पर ना ऑपरेटर्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं तो इसलिए अगर किसी की पोजिशन है और कोई अगर इस तरीके से भागते हुए शेयर को पकड़ रहे हैं पकड़ रहा है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है और आप लोग ना बहुत अच्छे खासे फंस सकते हो इसमें कंपनी देखिए आठ सौ रुपए से यहाँ पर दो रुपए पर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है दो रुपये पिछहत्तर पैसे और इसका जो रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लगभग चौबीस सौ परसेंट के रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दे दी है चौबीस सौ ग्यारह परसेंट के रिटर्न तो इस चीज को आपको समझना होगा ऐसे ही ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी शेयर में इसमें देखिए हर एक हर एक स्टडी हर एक शेयर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और इसी के लिए यहाँ पर ये यह आपको वीडियो भी बनाई गई है आ, यहाँ पर खरीदने का कोई वो नहीं है और ना ही मैं आपको इसे खरीदने के लिए कहूंगा क्योंकि स्टॉक में कुछ है ही नहीं इस स्टॉक में जान ही नहीं है चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो यहां पर चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है बट स्टिल अगर बात करें तो इसमें कोई जान नहीं है ना तो इसके फाइनेंशियल ना इसके फंडामेंटल्स फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं बिजनेस मॉडल अच्छा हो सकता है बट स्टिल अगर हम बात करें शेयर जिस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है आठ सौ रुपए के आसपास अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो शेयर यहाँ पर आठ सौ रुपए के आसपास कभी चलता था और आज की डेट में बात करें फिर ये दो रुपए पे आया और फिर उसके बाद अच्छा खासी रैली इसने दो सौ चौबीस सौ परसेंट की यहाँ पर दिखाई दी है बट स्टिल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो शेयर में बिल्कुल भी जान नहीं है जस्ट बिकॉज कोई इसके फाइनेंशियल इस

एक्टिव होंगे तो यहाँ पर ए, जिस तरीके से यहाँ पर अपार सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है अभी यहाँ देखेंगे तो अपर सर्किट आज की डेट में है तो इसी सर्क इसी तरीके से लोअर सर्किट यहाँ पर अप्लाई कब हो जाएगा और कब आप ट्रैप हो जाओ दोबारा शेयर ये दो तीन रुपए पे आके ट्रेड करेगा आपको भी नहीं पता चलेगी यहाँ पर ऑपरेटर ने पैसा कमा लिया होगा और आपने लोग का पैसा आपके घर की जमीन जायदाद और आपकी हार्ड मनी जो इनकम होती है वो यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी तो इसलिए कहते हैं शेयर बाजार आसान नहीं है इट इज़ अ गेम ऑफ गैम्बल अगर आप इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं बट इट इज अ गेम ऑफ इन्वेस्टिंग और मेकिंग मनी अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉंग से सब चीज चेक करके इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है शेयर को खरीदना ही नहीं है सिंपल सी बात है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें दूसरे लोगों को शेयर करें उन्हें जोड़िए ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो का फायदा उठा सके मच गॉड ब्लेस